तो हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में। छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। 31 दिसंबर लास्ट डेट था, उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और बताया भी नहीं गया था कि सेकंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। सेकंड काउंसलिंग होने का कोई भी चांस नहीं था, लेकिन फिलहाल के डेट में काउंसलिंग बहुत ही जल्दी हो गया। मतलब अचानक से काउंसलिंग का शेड्यूल आया, काउंसलिंग हुआ, 5 दिन में काउंसलिंग खत्म हो गया। तो इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं था कि फार्मेसी का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुआ, या फिर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके पास TCCC माइग्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो काफ़ी सारे बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग लगभग फुल हो चुके हैं, उसमें 10-15% ही सीट बची हुई है, और प्राइवेट में भी काफ़ी सारे जो सीट है वो बची हुई है। तो इसमें प्राइवेट में कॉलेज अपने स्तर में कुछ कुछ एडमिशन वगैरह कर रहा है। अगर आप प्राइवेट में किसी प्राइवेट में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। सभी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, किस किस कॉलेज में कितना कितना फीस है, सभी का इंफॉर्मेशन हमारी टीम के द्वारा दिया जाता है। और दूसरी बात, काउंसलिंग का तो मैक्सिमम चांस है, मतलब मैक्सिमम चांस में आपका 90% चांस है कि फिर से काउंसलिंग खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में ने एक ही शेड्यूल दिया था जिसमें काउंसलिंग को ख़त्म करना, मतलब 31 के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा करके बोला गया था। इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको पता नहीं था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए तो उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो कॉलेज है उनमें जो सीट है वो बचा हुआ है। तो लास्ट में क्या होगा कि हो सकता है आपके काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करेगा, या फिर यूनिवर्सिटी से बोल दिया जाएगा, DTA से बोल दिया जाएगा कि आप ओपन काउंसलिंग अरेंज कर लीजिए। तो एक जैसे स्टेट राउंड होता है वैसे ही आपका ओपन काउंसलिंग के लिए एक टाइम दे दिया जाएगा, जिसमें आप किसी भी कॉलेज में जाके जहाँ सीट बचा हुआ है वहाँ जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाता है ओपन काउंसलिंग में। बहुत सारे कोर्स में ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल होता है, तो ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के इंतजार कर रहे हो, तो उसके लिए काउंसलिंग अगर अरेंज होती है, ओपन काउंसलिंग में भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर काउंसलिंग होती है, 90% चांस है काउंसलिंग होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तो जनवरी आ चुकी है, तो हो सकता है इस वीक में हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाइए, वहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है। इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंक्वायरी के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें भी व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल वगैरह कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में अभी सीट बची हुई है, प्राइवेट कॉलेज में अपने स्तर पर एडमिशन लेना चाहते हो कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि बाद का नहीं पता, फिलहाल तो अभी एडमिशन ले सकते हो। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बी फार्मेसी के साथ साथ डी फार्मेसी भी करना चाहते हैं, जिसमें नॉन PPHT के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।